हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज मैं पता क्या कर रहा हूँ, अभी क्या कर रहा हूँ, सब्ज़ी काट रहा हूँ, क्योंकि हम इनके लिए बनानी है सब्ज़ी। तो फिर क्योंकि हम गाँव में जाना जाते हैं, तो गाइस आज का व्लॉग काफ़ी स्पेशल होने वाला है, क्योंकि पिछले व्लॉग में तो देखा ही होगा आपने, एंड पे किसी ने तो नहीं देखा होगा, और मगर किसी ने, कुछ लोगों ने देखा होगा। तो उसमें मैं कुछ बात करना चाह रहा था, तो बाद में नहीं की थी क्योंकि वो काफ़ी लंबा ब्लॉग बन जाता, तो इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, नेक्स्ट इस वाले ब्लॉग से स्टार्ट करेंगे। इसमें जो अपने अंदर रखी हुई जो पड़ास है वो निकालेंगे इसमें। तो इस बात कुछ ऐसी है कि मैं 2020 में 21 में जस्ट से तो इस 2021 में मैं भद्रवाह में आया था, मतलब रूम पर बैठा हूँ जब से 2021 से बैठा हूँ मैं रूम पे। तो मुझे अब आज से 3rd साल लगा है, और मैं भद्रवाह में रूम पे बैठने के लिए इसलिए आया था क्योंकि मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो मैं क्रिकेट खेलना चाहता था, ये नहीं खेल रहा हूँ अभी भी। तो मैं एकेडमी जाता हूँ जहाँ भद्रवाह में ही। तो बात कुछ ऐसी है गाइस कि यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से हम कभी अकेडमी बहुत ज़्यादा बंद रहती है, और हमारे हालात कुछ ऐसे हैं कि उसकी वजह से हम अकेडमी जा भी नहीं पाते इतना, क्योंकि ये आप देखेंगे आराम आराम से कि क्या कुछ चल रहा है लाइफ में। तो गाइस बात ऐसी है कि मतलब मैं आया था यहाँ क्रिकेट खेलने के लिए भद्रवाह में, तो फिर बाद में है अभी 2 साल हो गए मुझे तो एकेडमी में। मैं ज़रा टेक रेस्ट, थोड़ा रिलैक्स हो जाएंगे फिर अपन करते। तो आज मैं बता रहा था कि मैं बहुत ज़्यादा फिर एकेडमी जा नहीं सका उस वजह से, तो उतनी खुलती भी नहीं थी एकेडमी, क्योंकि बारिश की वजह से ज़्यादा खुलती भी नहीं थी एकेडमी, तो एकेडमी में उतना जा नहीं सका। तो उसकी वजह से हम थोड़ा ना बीच में अटक जैसे गए हैं अभी, क्योंकि काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी अभी मैं नहीं खेल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी क्रिकेट भी नहीं खेल रहा हूँ, और घर वाले भी चाहते हैं कि नहीं ये बंद कर दे अब, कि ये ऐसे ही मतलब टाइम बर्बाद कर रहा है। तो भाई बात ये है कि मैं बहुत ज़्यादा अकेडमी इस वजह से नहीं जा सका क्योंकि यहाँ भद्रवाह में मैं अकेला रहता हूँ, और क्या है कि मुझे अपना खाना पीना और उसके लिए खाने पीने के लिए कमाना वो सब कुछ खुद ही करना पड़ता है। तो इस वजह से मैं क्या बोलते हैं बहुत अकेडमी जा नहीं सकता। मैं पता था आपको कि मतलब ना डेली क्या करता था मैं, सुबह अकेडमी की टाइमिंग होती है 5 बजे, तो वहाँ से वापस आते हैं कम से कम 9:30 बजे, कभी 10 बजे, कभी 10:30 बजे अकेडमी से वापस आते थे। ज़्यादातर 9:30 बजे से पहले ही, अगर पहले आना होता था तो पूछ के आना पड़ता था कि सर मुझे वहाँ जाना है, तो इसलिए तो क्या बोलते हैं कि उस तो आप समझो कि 10:30 बजे कराते थे, तो काम पे जाना बहुत मुश्किल होता था, फिर काम पे काम मिलता ही नहीं था, तो क्योंकि काम करने की टाइमिंग होती है 9 बजे, सुबह 9 बजे जाना ही काम पे पहुंचना पड़ता है, मैं काम स्टार्ट करते हैं 9 बजे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मैं एकेडमी भी नहीं जा सका, क्योंकि कमाना भी खुद ही था, तो वो काफ़ी मुश्किल हो रहा था। तो उसकी वजह से कई दिन एकेडमी खुली भी मैं नहीं जा सका। तो मगर ये है बात कि और एक बात है कि वहाँ से मतलब वापस अगर 9 बजे आ भी जाते थे, काम पे जाना होता था, शिट लाइट ही, तो काम पे जाना होता था, तो मतलब 5 बजे छुट्टी होती है काम से, तो फिर आना है वापस, तो फिर शाम को फिर जाते थे ग्राउंड प्रैक्टिस करने। तो आप खुद ही सोचो कि कितना मतलब उस मतलब 5 बजे गए प्रैक्टिस करने ना दोबारा, तो फिर हम प्रैक्टिस करते थे कोई 7:30-8 तक, तो वहाँ से फिर आना होता था वापस ग्राउंड से एक कमरे पे, तो फिर कमरे पे आके खाना बनाना, अब मतलब खुद के लिए खाना शाना बनाना खुद ही करना पड़ता था। तो इसी टाइम में मतलब कुछ और काम भी जो होता था वो करना पड़ता था,
तो आप समझ सकते हो कि कितना मुश्किल था। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा मैं अकेडमी जा नहीं सका। मेन प्रॉब्लम ये है कि जो मैं काम पे मैं जाता हूँ तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है, पूरे दिन में इधर उधर हो जाता है। तो अब और यहाँ भद्रवाह में प्रॉब्लम ये है कि मैं शाम को प्रैक्टिस करने जाता हूँ ना, तो वहाँ क्योंकि मेरे साथ है नहीं कोई, तो वहाँ मैं अकेले तो प्रैक्टिस कर नहीं सकते। तो नहीं, जितना अकेले कर सकते हैं उतना करते थे हम। और क्योंकि ऐसे मतलब मैं बैट्समैन हूँ और बैट्समैन को प्रैक्टिस करने के लिए एक बॉलर चाहिए होता है, तो बॉलर तो मेरे साथ था ही नहीं कोई, क्योंकि ग्राउंड में तो सब समझते हैं कि ये अब अपनी कुछ औकात नहीं है ना अभी, तो इसलिए बोलते इसको क्या बॉलिंग करानी, कौन है ये। तो इस वजह से हम क्या है कि प्रैक्टिस बहुत कर नहीं सके, तो ज़्यादा मतलब अच्छी क्रिकेट इसलिए नहीं खेल रहे। तो मगर मैं अब चाहता हूँ कि अगर ऐसा ही चलता रहा आगे तो फिर तो मुझे उम्र भर यहीं भद्रवाह में ही रहना पड़ेगा। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि ये मैं आगे जाऊँगा कहीं, क्रिकेट का अगर खेलनी है मुझे कंटिन्यू आगे करनी है तो मैं आगे जाऊँगा कहीं। तो आगे इस वजह से नहीं गया मैं पहले, क्योंकि वहाँ आगे क्योंकि मैं भद्रवाह से बाहर नहीं, जम्मू से बाहर कभी गया नहीं हूँ, तो जम्मू में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जम्मू जा नहीं सकते, तो क्योंकि वहाँ पे काम भी मिलना बहुत मुश्किल है, तो कुछ काम भी तो करना है क्योंकि खाना पीना भी तो है और एकेडमी का खर्चा जो होगा वो भी तो देना है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि फिर उसके बाद एक चीज़ मुझे पसंद थी कि मतलब वीडियो बनाना, यूट्यूब चैनल खोलना था, मैंने वीडियो बनाना काफ़ी पसंद था, तो फिर मैंने उसके बारे में भी वो भी नहीं कर रहा था क्योंकि डर रहा था बहुत मैं, मतलब कि नहीं ये था कि लोग क्या सोचेंगे वगैरह वगैरह, ये था होती है प्रॉब्लम जब जो कोई मतलब बहुत मेरे जैसा होता है ना, मतलब बहुत गरीब घर से होता है, बहुत ही ज़्यादा गरीब घर से होता है, तो उतनी बड़ी चीज़ करना एक बहुत बड़ी बात होती है, तो वो मैं मतलब अचानक कर नहीं सका। तो फिर उसके बाद क्योंकि फ़ोन भी मेरे पास उतना बड़ा नहीं था, तो मेरे पास पहले एक बहुत छोटा फ़ोन था, ये तो मैंने अभी लिया है। तो फिर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि व्लॉगिंग करना मुझे काफ़ी पसंद है, थोड़ा मज़ा आता है क्योंकि अपनी जो लाइफ है ना कि तो मैं लाइफ है जो तो वो ना कि एक मिनट। सो गाइस व्लॉग मतलब मैंने इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि ये है ना कि कैमरे में कैद हो जाता है जो हमने किया पीछे, तो वो कैद हो जाता है, तो मतलब फिर कभी आपको अगर देखना होता है कि मैंने मेरा पीछा कैसे रहा है, हालात कैसे रहे हैं, तो वो देखना होता है, कुछ इंटरेस्टिंग सी चीज़ अगर देखनी होती है तो देख सकते हैं। मतलब यूट्यूब खोला तो चैनल खोला तो अपनी जो मतलब चीज़ देखना चाहते थे कि वहाँ पे कैसा रहा था अपना, कैसा दिन रहा था, तो वो देख सकते हैं आराम से। तो इसलिए मुझे ब्लॉगिंग पसंद है काफ़ी, ब्लॉग ही बनाना इसलिए मैं पसंद करता हूँ। तो भाई अब फाइनल बात ये है कि अब हम ये करेंगे कि अब भद्रवाह में हम इसी साल रहेंगे, तो अगर मेरा इस साल में चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर मैं जाऊंगा कहीं आगे, मतलब या मैंने प्लान किया या बेंगलोर जाऊंगा, दिल्ली जाऊंगा या मुंबई जाऊंगा, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी अच्छी अकेडमीज़ हैं। तो ये कि चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो फिर टेंशन नहीं रहेगी, मतलब कि काम शाम करना वहाँ जाके वगैरह वगैरह उसकी टेंशन नहीं रहेगी। तो हाँ, तो हम देखते हैं इस साल अगर अपना चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं जाऊँगा कि अच्छी अकेडमी में, तो ताकि अच्छी कोचिंग मिल सके। क्योंकि देखिए गाइस मैं आपको बताता हूँ, जितना मुझे कि मतलब दिखाया है ना, कोई मुझे अगर बताता है तो एक बात है कि मैं सीख बहुत जल्दी जाता हूँ हर चीज़। तो अकेडमी जो हमारी है यहाँ पे वहाँ उतना मतलब नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं कहीं आगे जाऊँ। अभी बाहर मकान वाले कहते इसलिए डिस्टर्ब हो रहे बार बार। तो गाइस आज अभी फ़िलहाल इतना ही करते हैं, आगे की बात हम करेंगे बाद में, क्योंकि अभी हमने काम पे जाना है और अभी चाय बननी है, बस गर्म शर्म करनी है, चाय पीनी है और हमने काम पे जाना है, तो इसलिए अभी ज़्यादा बात नहीं कर सकते, तो हम काम से आके बात करेंगे। सो गाइस अभी देख रहे हो मैं मिनी ग्राउंड में हूँ, तो गाइस मेरा ना एकदम से डर गए, भूकंप आया अभी इतना तेज़ ना, क्या बता नहीं सकते हम कि कितना तेज़ भूकंप आया। तो अभी हम मिनी ग्राउंड में बैठे हैं क्योंकि और आ सकता है क्या भरोसा। तो गाइस बहुत ही बड़ा आया भूकंप, तो वहाँ बर्तन शर्तन सारे टूट गए जो मतलब ऐसे थे ना, उसके थे मतलब
बर्तन बहुत सारे टूट गए, कांच के थे जो। तो गाइस देख रहे हो, तो गाइस मैं भी अंदर तो आ गया हूँ, मगर गाइस इतना डर लग रहा है ना मुझे कि और ना आ जाए। क्या पता, मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो बना ही लेते, क्या पता कल रहे ना रहे। तो भरोसा कुछ नहीं होता है लाइफ जिंदगी का। तो गाइस अभी भी दिल ना धक धक कर रहा है, मतलब नहीं अभी क्या, दो 5 मिनट हुए, मतलब मैं सीधे भागा मिनी ग्राउंड में वहाँ से। डर गए बहुत यार, बहुत ही बड़ा भूकंप आया।